कभी भी इंफॉर्मेशन के रिटेंशन पे हमारा एजुकेशन या हमारा एनसीएफ 2005 या यशपाल कमेटी जोर नहीं देती है प्रोमोट डेवलपिंग कंसेप्ट एंड एबिलिटीज टू एनालाइज सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज सोशल साइंस लर्निंग का या सोशल साइंस टीचिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो भी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है उसको एनालाइज करने का उसको विश्लेषण करने का या उन सभी सामाजिक आप बोल सकते हैं राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की क्षमता हमारे पास डेवलप हो रही है या नहीं एन सी और इसके पहले की वीडियो में जिसमें हमने पैडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस को एन सी के आधार पर रखा था उसमें भी यही ऑब्जेक्टिव था कि एक एनालिटिकल और एक क्रिएटिव माइंडसेट को क्या करना तैयार करना सो पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना नेक्स्ट वन द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एडवोकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इवेलुएशन एमंग द एमंग अदर फॉर्म सोशियो या सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ जो क्लास सेवन की पोलिटिकल साइंस की बुक है वो किस अलग प्रकार की इवेल्युएशन के सिस्टम को रिकमेंड करती है अगर आप पोलिटिकल साइंस के बुक को देखें सिक्स टू एट में उस बुक में प्रीफेस के बाद बहुत सारे उसमें एक्स्ट्रा पेजेस टीचर के अपने लिए उसके पढ़ाने के लिए और किस प्रकार के वो असेसमेंट या इवेलुएशन प्रोसेस को पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को एसेस करने के लिए वो फॉलो करेंगे उनके बारे में हमें इन डिटेल हमें वहाँ पे बातें दिखती है तो उसी के तहत बताया गया ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है कि किस प्रकार के आप इवेल्युएशन टेक्निक का या प्रोसेस का वहाँ पर यूज़ करेंगे ओपन बुक एक्सरसाइजेज पर्सनल इंटरव्यूज़ आई और कंप्यूटर एनेबल इवेल्यूएशन एंड रिटर्न मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना जिसे हम लोग कई बार ओ कहते हैं ओपन टेक्स्टबुक बेस्ड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा रिटेंशन या बोल सकते हैं कि रट्टा मारने की टेक्निक से अपने आप को बाहर निकाले और वहाँ पर इस ओ टेक्निक को क्या किया गया है एडवोकेट किया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइल टीचिंग पोवर्टी विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट गरीबी नामक विषय को या टॉपिक को पढ़ाते वक्त सोशल साइंस में किस प्रकार की कि स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है प्रिपेयर नोट्स एंड डिलीवर अ गुड लेक्चर नहीं होगा गिव हैंड्स आउट टू स्टूडेंट्स तो एंड एक्सप्लेन एंगेज स्टूडेंट्स इन डिबेट एंड डिस्कशंस देखिए ऑप्शन नंबर थ्री को अगर आप देखें तो क्या कई बार क्या होता है कि चर्चाओं में शामिल करने से डायलॉग में शामिल करने से डिस्कशन में शामिल करने से कई बार हमें अपनी बात ओपन एंडेड तरीके से भी कहने का मौका मिलता है और वहां पे हम अपनी बातों को अच्छे से रखते भी हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी एनहेंस होता है आस्क स्टूडेंट टू रीड फ्रॉम द टेक्सट बुक एंड एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑप्शन नंबर फोर को देखें ऑप्शन नंबर टू को देखें ऑप्शन नंबर वन को देखें तो उतने आपको बेहतरीन ऑप्शन नहीं लगेंगे लेकिन जब पॉवर्टी की बात आती है गरीबी को पढ़ाने की बात आती है सिखाने की बात आती है और सबसे बड़ी बात जब वहां पे समझाने की बात आती है तो डिस्कशन के द्वारा डिबेट के द्वारा पक्ष विपक्ष करके वहां पे अपनी बातों को अच्छे से एक पार्लियामेंट्री एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट क्रिएट करके हम पॉवर्टी के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वन The National Curriculum Framework 2005 suggests that instead of civics, द टर्म पॉलिटिकल साइंस बी यूज बिकॉज प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि नागरिक शास्त्र जो शब्द है वो एक कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का एक तरीके से यूज किया गया कंसेप्ट जहां पे उन्हें ये लगा था कि इंडियन सिटीजन्स में ब्रिटिश राज के प्रति जो एक डिस लॉयल्टी आ रही है उसे लॉयल बनाने के लिए हम इंडियंस को लॉयल बनाने के लिए उन्होंने एक तरीके से मोरल कोड को सिखाने के लिए उन्हें नागरिक शास्त्र को उन्होंने हमारे करिकुलम में या हमारे सिस्टम में क्या क्या कि उन्होंने एक तरीके से शुरू किया या लगाया लेकिन उसकी जगह हम हमारा अब पॉलिटिकल साइंस वर्ड को यूज करने की एडवोकेसी करता इसकी रीजन क्या है? को देखें, यही बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग लेकिन पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में सबसे सब बड़ा डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस एक पॉलिटिकल अवेयरनेस एक पॉलिटिकल प्रोग्रेस को दिखाता है लेकिन या नागरिक शास्त्र का संबंध ब्रिटिश राज्य में सिर्फ उनके नागरिकों के लिए या इंडियन नागरिकों की ओर से ब्रिटिश राज्य की एक्सपेक्टेशन एक एक थी कि वो ब्रिटिश राज्य के प्रति वो अपनी लॉयल्टी को दिखाएं ना कि वहां पे किसी प्रकार का वो डिस नेचर को दिखाएं वहां पे सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन अगर रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को देखें पोलिटिकल साइंस इज टॉट एट अ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देयर फॉर स्कूल शुड प्रिपेयर ग्राउंड फॉर दिस बिल्कुल नहीं होगा पॉलिटिकल साइंस इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज फील्ड ऑफ स्टडी देखिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज फील्ड है लेकिन उस टर्म को रिप्लेस करने के पीछे कुछ ना कुछ अगर आप देखें तो एक कॉलोनियल पास से उसका कंसेप्ट भी जुड़ता है ऑप्शन नंबर थ्री भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर फोर को देखें तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा देखिए कहा भी जाता है था, जब हम लोग पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बात करती है तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं और एक प्रकार का अगर पॉलिटिकल कॉन्सर्टाइजेशन भी अगर आपके पास है तो पॉलिटिकल चीज़ों की समझ अपने आप डेवलप होती है यहाँ पे सो एज़ पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन टीम टीचिंग या समूह शिक्षण का मतलब क्या समूह शिक्षण का मतलब ही होता है कि कुछ टीचर्स आपस में एक साथ मिलते हैं और वो सभी बच्चों के अलग अलग डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं सोशल साइंस साइंस मैथ इंग्लिश और इनके साथ मिलते हुए रिसोर्सेज का ऑप्टीमल यूटिलाइज या रिसोर्सेज को ऑप्टीमल ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से हम उस बच्चे के लर्निंग गैप्स को उनके लर्निंग डिफिकल्टीज को हम क्या कर सके खत्म कर सके या दूर कर सके एटलीस्ट कम कर सके यहां पे सो एज पर दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व टीम्स ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री अगर आप देखें एनकरेज हेल्थी कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व स्मॉल टीम ऑफ स्टूडेंट नहीं टीचर का जनरली होता है इज अ वे आउट टू मैनेज विध दीचर बिल्कुल भी नहीं होगा क्वेश्चन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें द मेजर परपज ऑफ एसेसमेंट इन सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होना चाहिए गॉज द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ऑफ कंटेंट एक्वायर्ड बाई लर्नर बच्चों को जो सिखाया गया बच्चों ने उस चीज को कितना अर्जित किया है जब हम लोग असेसमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव होता है जिसे रचनात्मक कहते हैं समेटिव होता है जिसे योगात्मक कहते हैं फॉर्मेटिव लर्निंग के साथ साथ होता है और समेटिव लर्निंग के बाद होता है यहां पर तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है इसे मापना या फिर मेंटेन अ डिजायरेबल एकेडमिक क्वालिटी ऑफ नॉलेज इन द स्टूडेंट्स पासिंग आउट नहीं होगा सिर्फ पासिंग आउट के पर्पज से हम डिजायरेबल क्वालिटी को बच्चों में नहीं देखे सिर्फ बच्चों ने उसको कितना समझा है और कई बार सिर्फ पास करना या फेल करना ही सब कुछ नहीं होता कई बार चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और जीवन में अपने लिए अपने लिए एक बेहतर कंडीशन क्रिएट करने की हालत में अपने आप को रखना यह भी कई बार लर्निंग का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव माना जाता है प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन द एक्सटेंड टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड Option number two. थ्री को अगर आप देखें तो वन और थ्री आपको क्लोज लगेगा यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि या, प्रति या फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है कि सीखने वाले ने कितना किया, कितना एक्वायर किया किया ग्रहण किस सीमा तक अपने आप को उसने क्या किया है एनहेंस किया है सो so, वन और थ्री में से ज्यादा करीबी ऑप्शन को देखे तो ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा देखेगा शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है इसे जांचना या इसे मापना। चाइल्ड शिक्षा शास्त्र क्या है टीचिंग एस पर डिजायर ऑफ चाइल्ड नहीं होता है इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड होता है उस नेचर के अकॉर्डिंग होता है गिविंग प्रीमिसी टू चिल्ड्रक्सपीरियस बच्चे के एक्सपीरियंसिस या अनुभव उनकी आवाज उनकी ध्वनि उनके करने के तरीके उनके लर्निंग अधिकम शैलियां इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने इंस्ट्रक्शन हम अपनी डिजाइनिंग हम अपने लेसन प्लानिंग हम अपने क्लासरूम डायलॉग को मैनेज करते हैं क्लासरूम डायलॉग को एडजस्ट करते हैं हम इसे चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहते हैं सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू कंटेक्चुअलाइज एजुकेशन टू अ चिल्ड्रंस वर्ल्ड जब हम लोग एन 2005 की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत अलग अलग प्रकार के हमें कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स देखने के लिए मिलते हैं चाहे उसमें अगर कॉग्नेटिव अप्रेंटिसशिप की बात करें उसमें कंटेक्चुअलाइजेशन की बात करें उसमें बच्चे के रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसके लर्निंग लाइफ को कनेक्ट करने की बात करें तो दे ऑल आर द वेरियस कंस्ट्रक्टिव मेथडोलॉजीज और कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स और रचनात्मक तरीके आप इसे कह सकते हैं तो क्या है द एस्ट्यूडली Intermingle the social and political lives of Indian people. दे यूज अ लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड नेरेटिव्स इन द मिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एग्जाम्पल अगर आप कभी सिक्स टू एट के पोलिटिकल साइंस की या बुक को देखिए एन सी आर टी की तो उसमें कई अलग अलग, अलग प्रकार के कॉन्टेक्ट दिया गया चाहे वो शह अगर आप देखें वाटर का प्रॉब्लम गाँव में है अगर तमिलनाडु के एक गाँव में वाटर का प्रॉब्लम दिख रहा है या किसी दूसरे स्टेट के शहर में कुछ स्पेसिफिक प्रकार का प्रॉब्लम दिख रहा है तो अलग अलग, अलग प्रकार के कॉन्टेक्सट का एग्जाम्पल दे के एज अ केस स्टडी बच्चों के वेरियड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हुए हमने बच्चे को वहां पे एक बे बेहतर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग देने की कोशिश करी है तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टेक्चुलाइज का मतलब ही होता है कि जब लर्निंग को हमारे इमीडिएट कॉन्टेक्ट से या हमारे संदर्भ से या हमारे इमीडिएट सेटअप से उससे कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर सीखने सिखाने के लिए हमें मोटिवेशन हमें अभिप्रेरणा और हमें कहने की इंस्पायरेशन भी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे वैगोस्क बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश में उपस्थित चीज़ों को अगर सीखने सिखाने के माध्यम की तरह प्रस्तुत किया जाए तो वहां पे सीखना हमारे लिए मीनिंगफुल ज़्यादा मीनिंगफुलर और ज्यादा इंटरेस्टफुल भी कहीं ना कहीं बनता है सो पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल भी वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट वन अ ट्रेनि टीचर राइट्स ऑन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एज स्टूडेंट शैल बी एबल

हरर्की का ही किया जाता है जिसमें बेसिक लेवल लोअर लेवल्स थिंकिंग से हायर लेवल या एडवांस लेवल थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं चाहे वो नॉलेज हो कॉम्प्रिहेंशन हो एनालिसिस हो एप्लीकेशन हो सिंथेसिस हो इवेल्यूशन हो उसी में ये कहा गया कि अगर हम बच्चे को जो भी चीज़ें बताते हैं सिखाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा उस पर्टिकुलर चीजों को अंडरस्टैंड कर पा उसे अप्लाई करने की हालत में अपने डे टू डे लाइफ में होता है नहीं होता है तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग या यहां पे कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा जोर दिए जाने की बात की जा रही है सो बच्चा डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझ पाएगा लोकतंत्र के अर्थ को समझ पाएगा तो समझने का मतलब ही होता है कॉम्प्रीहेंड करना उसे एक प्रकार की समझ में डेवलप करना सो राइट आंसर विल बी बोधन और कॉम्प्रीहेंशन वाइल्ड टीचिंग एन इश्यू सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी बट डिस्क्राइब इन द टेक्सट बुक जब किसी टेक्सट बुक में पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ बातें बताई जाती है तो सोशल साइंस टीचिंग के दौरान एक ये बातें भी हमें विशेष तौर पर देखने के लिए मिलती है कि जब हम लोग हेट्रोजीनियस सोसाइटी की बात करते हैं सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे किसी के भी इमोशंस हर्ट हो सकते हैं किसी को भी बुरा लग सकता है तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जब किसी भी कॉन्टेक्स्ट या किताब में दिए गए किसी भी उदाहरण को हम जब क्लास में एक्सप्लेन करते हैं डिस्कस करते हैं उसे डायलॉगिक प्रोसेस के थ्रू रखते हैं तो वहाँ पे चीजों पर किन चीज़ों पर विशेष ध्यान होना चाहिए जी होना चाहिए द टीचर शुड रिस्पेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड एक्सप्लेन द फैक्ट टेक्स्ट बुक का रिस्पेक्ट होना हो लेकिन बच्चों की फीलिंग का लर्नर्स के फीलिंग का उनके इमोशंस का वहां पे रिस्पेक्ट हो और सेंसिटिविटी वहां पे दिखनी चाहिए सीखने वाले की तरफ से भी और सबसे बड़ी बात सिखाने वाले टीचर की तरफ से भी यहाँ पे द टीचर शुड राइट टू द अथॉरिटीज टू अमिट बिल्कुल भी नहीं होगा ये द टीचर शुड एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद सेंसिटिविटी एंड फ्रॉम कमिटमेंट वाइल रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ ऑल स्टूडेंट शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशीलता और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री कल्चरल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर विशेष ध्यान देना है कल्चरल सोशल एंड क्लास डिफरेंसेस जनरेट देयर ओन बाइसेस एंड प्रेजुडाइसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम द अप्रोच टू टीचिंग देयर फॉर नीड्स टू बी यह देखा गया कि सामाजिक सांस्कृतिक और वर्ग विभेदीय कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते तीन बातें बताई गई है क्या बताई गई है पक्षपात पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करती है कौन सी चीजें सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेदीय हेट्रोजीनियस क्लास है तो आपका शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लेक्चर ओरिएंटेड अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के भीतर किसी प्रकार के स्टीरियोटाइपिंग है बाइसनेस है किसी चीज को लेके पूर्वाग्रह है तो उस कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में खुल के बात करें तो वहां पर अपनी बात को हम अच्छे से रख सकते हैं तो खुल के बात करना और नई तरीके से बात करना तो खुल के बात करने से मुझे लगता है अपनी बात रखने से औरों की बात सुनने से कई प्रकार के बायसेस कई प्रकार के स्टेरियोटाइप्स पूर्वाग्रह से हम बाहर निकल सकते हैं और सामने वाले के प्रति भी दूसरे संस्कृति के प्रति भी या अपने से हटकर दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रति भी हमारा एक ब्रॉडर माइंड हमारा एक वृहत आप बोल सकते हैं समझ हमारी विकसित हो सकती है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो ट्रिकी क्वेश्चन है और वन और टू को बहुत सारा सिमिलर लगेगा तो ओपन एंडेड का मतलब होता है कि कुछ आउटबॉक्स करना कुछ हटके सोचना कुछ क्रिएटिवली सोचना लेकिन हटके सोचना और सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका देना तो मेरे ख्याल से एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी डिस्कशन और इंट डिस्कस करके भी चर्चा उन्मुखी वातावरण तैयार करके भी सामने वाले को भी अपनी बात बताने का मौका देकर भी हम कई प्रकार के पूर्वाग्रहों कई प्रकार के आप बोल सकते हैं स्टीडियो से या कई प्रकार के हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक जो एक रूढ़िवादी जो पक्ष है उनसे हम बाहर निकल सकते हैं विच एमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओरल रीजनिंग मौखिक तर्कना के साथ ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे सवालों की कैटेगरी का सवाल है इस पे विशेष ध्यान देंगे मौखिक तर्कना से कौन सा संबंधित है ऑप्शन नंबर वन इमिटेटिंग पीयर्स, पीयर्स का अनुकरण करना नहीं होगा राइटिंग एन आर्टिकल बाई प्रोनाउंसिंग वर्ड्स लाउडली वर्ड को लाउडली प्रोनाउंस करते हुए आर्टिकल लिखना नहीं होगा अब ऑप्शन नंबर थ्री और फोर को ध्यान से देखिए फोर में है नरेटिंग एन नरेटिंग एन ने चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना वर्णन करने से रीजनिंग डेवलप नहीं होती है रीजनिंग डेवलप तब होती है जब किसी चीज के बारे में हम अपने विचार रखते हैं हम उसका विश्लेषण करते हैं ध्यानपूर्वक उस पर सोच विचार करके अपनी बात रखते हैं औरों की बात सुनते हैं और फिर उस पर पुनर्विचार करते हैं सो ऑप्शन नंबर थ्री को देखें इम्प्रॉम एप्लीकेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कंसेप्ट संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग और वाग्य विस्तार संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना उसके पहले समझ डेवलप करना उसे किस कॉन्टेक्स्ट में हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इसकी संभावनाओं का तलाशते तो हुए उसके बारे में और गहन जांच पड़ताल करते हुए उसका गहन विश्लेषण करना सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वन इन ऑर्डर टू प्रोमोट इंटरक्टिव एनवायरनमेंट देखिए यहाँ पे है कि इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा अप्रोच सोशल साइंस क्लास में सबसे बेस्ट हो सकता है डिक्टेशन एंड प्रैक्टिस की बात करें तो मैकेनिकल प्रोसेस और हर समय लिखवाना लिखना ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो क्लासरूम में निरस्ता का संचार करता है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की बात करें तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग ठीक है लेकिन उसके पहले बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बच्चे की लर्निंग बच्चे की समझ का विस्तार एक पूर्व शर्त है लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन अगर बच्चों को शामिल करते हुए हो तो बहुत अच्छा लेकिन अगर वन वे ओनली खाली डिलीवरिंग हो टीचर के द्वारा तो वो एक बोरिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है क्लास में लेकिन अगर मैं बच्चों को कुछ ऑडियो विजुअल एड का यूज करते हुए समथिंग डॉक्यूमेंट्री दिखाऊं तो डॉक्यूमेंट्री चूंकि मल्टी सेंसेरियल होता है ऑडियो विजुअल मल्टी सेंसेरियल होता है बच्चा देखता भी है सुनता भी है आपस में डिस्कस भी करता है कम्युनिकेट भी करता है तो उसके द्वारा इंटरेक्टिव एनवायरमेंट ज्यादा बेहतरीन तरीके से लर्निंग के कई ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है बच्चों को कम्युनिकेटिव बना सकता है बच्चों में कई प्रकार के सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज को वो एम्बेड कर सकता है प्रोमोट कर सकता है सो एज पर

जोग्राफी का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें इंडिया और यूएसए की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या फार्म का एग्जाम्पल दिया गया है ऐसा क्यों किया गया कि यूएसए का और इंडिया के फार्म को वहाँ पे क्यों दिया गया ताकि बच्चा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को एक यूएसए का देखता है एक इंडिया का देखता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कंसेप्ट को समझना ये ठीक है कंसेप्ट को बच्चा समझता है कंसेप्ट को समझता है एक्सप्लेन करता है इंटरप्रेट करता है है ना इसके अलावा उसे बेटर प्रोजेक्ट मिल सकता है लेकिन इन सब चीजों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हुए अगर बच्चा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखता है इंडिया और यूएसए के एग्जाम्पल को किताब में देखता है और दोनों को कंपेयर करता है कि क्यों इंडिया में फार्म का साइज छोटा है क्यों यूएसए में फार्म का साइज बड़ा है क्यों इंडिया का जो एक एग्रीकल्चर है या इंडिया की जो फार्मिंग है या इंडिया का फार्मर है वह सब्सिस्टेंस एक कमर्शियल पर्पज से ज्यादा खेती करता है, है वहां पर और इसके तहत उसमें बच्चे में एक एक प्रकार का लर्निंग इंसाइट डेवलप होगा कि कैसे यूएसए एक डेवलप है तो वह डेवलपमेंट उसके एग्रीकल्चरल फील्ड या फार्मिंग या कल्टिवेशन फील्ड में भी देखने के लिए मिलती है लेकिन इंडिया स्टिल डेवलपिंग होने

कर रहे हैं जो बच्चों में एक ज़्यादा बेहतर मीनिंगफुल लर्निंग को क्या करेगा? Foster करेगा। फ़ॉस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न सबसे इफेक्टिव क्यों माना गया है यह क्लास को प्रमोट करेगा नहीं शिक्षार्थियों के द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन देखिए कई बार कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन तभी प्रोसेस है जब बच्चा उसको करे और बच्चा उसको तभी करेगा जब बच्चा एक्टिव होगा बच्चा एक्टिव तभी होगा जब लर्निंग एटमोस्फेयर या लर्निंग एनवायरमेंट ज्यादा एक्टिव होने के लिए उसे प्रमोट करेगा या एनहेंस करेगा सो क्वेश्चन आंसर टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चा ज्यादा एक्टिवली लर्निंग एनवायरमेंट में हिस्सा ले सकता है और लर्न कर सकता है चीजों को एक्टिवली सो द राइट आंसर विल भी शिक्षार्थियों के द्वारा एक्टिव एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट नेक्स्ट वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मैथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट एलिमेंट्री लेवल सिक्स टू एट में हिस्ट्री को टीच करने के सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है लेक्चर मेथड अगर देखें तो इसे हाइयर क्लासेस में प्रमोट ज्यादा करते हैं डिस्कशन मैथड स्टोरी टेलिंग मैथड की बात करें तो यह प्राइमरी क्लास में यूजेबल ज़्यादा होता है लेकिन अगर डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर टेक्निक को देखें ये दोनों अपने आप में ज़्यादा बेहतर है अब डिस्कशन मैथड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करना बच्चों के व्यूज़ को रखना टीचर अपने व्यूज़ को भी उनके साथ साझा करता है एक डायलॉगिक सेशन के थ्रू लेकिन क्वेश्चन आंसर मेथड का मतलब क्वेश्चन आंसर मेथड भी बच्चों को ज्यादा एक्टिव बना सकता है बच्चों को ज्यादा एक तरीके से आप देखें तो लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकता है ये दोनों मेथड अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव है लेकिन यहां पे एलिमेंट्री लेवल पे देखें तो एलिमेंट्री लेवल पे हम यहां पे देखें तो डिस्कशन मेथड को इन्वॉल्व ज्यादा कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड को हम लोग नाइन टेन में थोड़ा सा ज्यादा प्रोमोट करते हैं ज्यादा तवज्जो देते हैं कई बार क्या होता है कि सिक्स टू एट में हम लोग बच्चे से निकलवाने की कोशिश ज्यादा करते हैं बच्चे का एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बच्चा जस्ट प्राइमरी क्लास के बाद सिक्स टू एट में आ रहा होता है तो बच्चे को यहां पे बोलने के लिए या बच्चे का अपना जो भी क्रिएटिव वर्ल्ड है कि उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री इतिहास क्या है मेरे ख्याल से यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कशन या चर्चा विधि ज्यादा बेहतर एलिमेंट्री लेवल पर हिस्ट्री टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए हो सकती है नेक्स्ट वन इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिव लर्निंग कॉपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए या सहयोगात्मक अधिगम को प्रेरित करने के लिए कौन सी विधि या कौन सा तरीका सबसे युक्ति संगत या लेजिटिमेट हो सकता है एजाइन ग्रुप प्रोजेक्ट अब देखिए ग्रुप प्रोजेक्ट के द्वारा भी कॉपरेटिव लर्निंग हो सकती है अगर आप जॉन डेवी के प्रेगमेटिज्म की बात करें या किलपैट्रिक के प्रोजेक्ट मैथड की बात करें तो वो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट मैथड एक ऐसा मैथड है जिसमें बच्चा सोशली एक्टिव होते हुए एक सोशल फीलिंग के साथ किसी डिजायर्ड गोल पर अकेले या ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा पहुंचने की कोशिश करता है और कई प्रकार के सोशल बिहेवियर और सोशल स्किल्स को डेवलप करता है अगर बच्चे को डिबेट में डिस्कशन में इन्वॉल्व करें तो वहाँ पर कॉपरेशन वहां पर कॉम्युनिकेशन डेवलप होता है लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर से, तरीके से एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए गिव एंड टेक करते हुए जिक्सो का यूज़ करते हुए है ना कई प्रकार के डिस्कशन करते हुए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है तो प्रोजेक्ट की बात करें तो एजाइनिंग ग्रुप प्रोजेक्ट ये ज़्यादा नज़दीक है कॉपरेटिव लर्निंग को मीनिंगफुली इन्हेंस करने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए वाइल डीलिंग विद सोशल इक्वलिटी वॉट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर टीचिंग सोशल इक्वलिटी टॉपिक को पढ़ाते हुए सबसे बेहतरीन उपागम सोशल साइंस टीचिंग का क्या होना चाहिए एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्सट बुक सिर्फ आप पैसिव एक्सप्लेनेशन से बचिए गिविंग अ प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट्स टू रिव्यू टेक्स्ट रिलेटिंग टू सोशल इक्वलिटी साइटिंग द एक्सपीरियंसेज ऑफ द कम्युनिटीज दैट मेक अप दोशल एंड कल्चरल म्यू यू ऑफ द चाइल्ड ऑप्शन नंबर थ्री को अगर आप देखें तो ये बहुत मीनिंगफुल ऑप्शन प्रतीत हो रहा है समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं फिर देखिए यहाँ पे वाइगोत्स्की के कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंट की बात आ रही है कि एक ऐसा परिवेश का एग्जाम्पल देना जो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक म्यूयू या सामाजिक सांस्कृतिक स्पेयर या सामाजिक सांस्कृतिक एनवायरमेंट से अच्छे तरीके से बुना हुआ है जुड़ा हुआ है गुथा हुआ है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वन इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंसिस द इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन आर मोस्ट इजिली अराउज नॉट बाई वर्ड्स बाई द साइट्स एंड साउंड सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त हम कई बार अपनी भावनाओं अपने संवेगों को प्रकाशित करते हैं जिसके लिए कई बार शब्द ही पर्याप्त नहीं होते हैं बल्कि हमारे ध्वनि की बात करें या हमारे चक्षु की बात करें ये भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो इसके लिए क्या किया जाए कई बार देख कई कर, बार सुनकर हम इमोशनल हम ज्यादा होते हैं हम कई बार एंगेज कई बार अपने आप को इन्वॉल्व ज़्यादा करते हैं ना कि सिर्फ शब्दों के द्वारा पर इसके लिए क्या करना जरूरी है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से दृश्यों और आवाज़ों का फिर यहाँ पर मतलब हो रहा है कि ये मल्टी सेंसेरियल है सेंस ऑर्गेन का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग अगर परियोजना विधि देखें लेक्चर देखे तो परियोजना विधि में बच्चा ग्रुप वर्क कर सकता है कॉपरेटिव वर्क हो सकता है लेकिन जब हम यहाँ पे साइट्स और साउंड की बात करते हैं तो क्लासरूम डिस्कशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है कक्षीय चर्चा की बात करें तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं साइट्स में और साउंड्स में वो दिखता है यहाँ पे सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी क्लासरूम डिस्कशन यहाँ पे मैं फिर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी ए, इफेक्टिव है परियोजना विधि लेक्चर मेथड फील्ड ट्रिप्स एंड सर्वे एंड द लास्ट वन इज कक्षीय चर्चाएं तो यहां पे देखें तो कक्षीय चर्चाएं सबसे बेहतर ऑप्शन मी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट वन वाइल्ड टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट What would be the most appropriate activity to make students understand the various elements of weather? मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके सॉल्व द वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय द टीचर टीचर को वर्कशीट देता है उसे सॉल्व करें ये एक पैसिव प्रोसेस है कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट ऑप्शन नंबर टू को देखें जो डे टू डे हमारे न्यूज में आता है मैगजीन में आता है और भी कई सोशल साइट्स में आता है न्यूज़पेपर में जो भी वेदर रिपोर्ट आता है उस वेदर रिपोर्ट को कलेक्ट करना न्यूज़पेपर से और उस अपने नोटबुक में लगाना और इस प्रकार के कई सारे दिनों तक अगर वो वेदर रिपोर्ट को देखेगा टेम्परेचर को देखेगा डायरेक्शन ऑफ विंड को देखेगा क्लाउड शेड को देखेगा तो अपने आप उसे पता चलेगा कि किस तरीके से एटमोस्फेरिक कंडीशन मोमेंट्री चेंज हो रहा है पल भर में वो चेंज हो रहा है और इस तरीके से उसे एक बेहतर मौसम या बेहतर वेदर का समझ बन पाएगा वेदर की समझ उसे सिर्फ एग्जाम्पल देकर उसे सिर्फ डिफाइन करके या डेफिनेशन दे के ना दे उसके सामने वेदर रिलेटेड एग्जाम्पल दे कि आज का वेदर कंडीशन क्या है टेम्परेचर कितना है रेनफॉल कितना है क्लाउड शेडिंग का नेचर कैसा विंड का डायरेक्शन कहां है कहां पर आज को बारिश हो रही है कहां पर आज को हैवी सनसाइन रहेगा है। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा समझेगा ही नहीं बल्कि इस एग्जाम्पल को अपने आस के लोकल एग्जाम्पल से वो कोरिलेट भी करेगा जब हम लोग जोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोकल जोग्राफी को समझे चाहे वो लैंडफॉर्म को समझना है अपने आसपास के घर में वो जो लैंडफॉर्म है, चाहे वो क्लाइमेट को देख रहा है चाहे तो बच्चे के को -सिखाने का सबसे एंडरिच एग्जाम्पल की तरह आपको यूज किए जाने की जरूरत है आस्क देम टू ड्रॉ दिंबल ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ वेदर को ड्रॉ करने से बच्चा उनको रटेगा लेकिन उनको वो मैप में कैसे समझ सकता है कैसा यूटिलाइजेशन उसके लाइफ से जुड़ा हुआ है कैसा टेम्परेचर ज्यादा है रेनफॉल कहां पे ज्यादा हो रही है आज यहां पे खिली धूप होगी या एक तरीके से क्लाउड शेडेड होगा यहां द लास्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू वेदर इन द नोटबुक तो देखिए ऑप्शन नंबर टू में बच्चे का एक्टिव एंगेजमेंट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा और इसे हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं कि अगर न्यूज़पेपर में वो आ रहा है बच्चा अगर वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है या मेट्रियोलॉजिकल ऑफिस या मेट ऑफिस से या मौसम विज्ञान प्रयोगशाला से भी अगर बच्चा उस इंफॉर्मेशन को लेके अपने आसपास की दुनिया के वेदर रिलेटेड डेटा को या क्लाइमेट को समझने की कोशिश कर रहा है तो वो उस बच्चों में एक बेहतर जोग्राफिकल स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को प्रोमोट करेगा तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें आई होप इन पेडागोजिकल इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के डिस्कशन से पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस के बारे में आपको बहुत ही एक मीनिंगफुल इंसाइट मिला होगा अगले वीडियो में हम कुछ और बेहतरीन सवालों के लेके दोबारा आएंगे तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग